पाटिल जी, आप कौन से वार्ड से चुनावी मैदान में हैं? वार्ड नंबर 28 हीरापुरा प्रतापपुरा। आप समाजवादी पार्टी से अधिकतर प्रत्याशी हैं वार्ड के, आप किन समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? अभी तक हमारे वार्ड में कई सभासद रहे हैं और करंट में जो सभासद हैं उनका कोई काम ठीक नहीं रहा है। जैसे कि जो नॉर्मली अधिकार के काम है पार्षद के, वही कम्प्लीट नहीं होते। जैसे नालियों की सफाई, गंदगी भरी रहती है, उनमें मच्छर कीड़े पैदा होते हैं जो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ हमारे गली की बात करें तो कम से कम 1-1.5 साल हो गया जब से झाड़ू नहीं लगी। यहाँ के लोग समझदार हैं हमारे गली के, वो खुद ही अपना सामने का झाड़ते हैं, पहुँचते हैं, पानी आने से साफ करते हैं। और ऐसी समस्या पूरे वार्ड में है, कई पुलियाँ ऐसी हैं जो टूटी रहती हैं नालियों की, वो कभी उनका सुचारू रूप से कोई काम नहीं होता है। कई मरकरी ऐसी हैं जो ख़राब हैं। अरे जो पार्षद का आधिकारिक काम है वो तो उनको करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे। तो हमारा ये है कि हमने हर महीने, अगर जनता ने हमें सेवा का मौका दिया, हम हर महीने वहाँ पे अपने वार्ड में घूमने का काम करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी घर घर, जैसे आज हम वोट मांगने जा रहे हैं, घर घर जाके हर कुंडी को बजाएंगे, सभी अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को जगाएंगे और बोलेंगे भैया आपकी क्या समस्या है, उनको नोट करेंगे और 24 घंटे के अंदर उनका निस्तारण करने का काम करेंगे। ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। जैसा कि आप समाजवादी पार्टी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और युवाओं का साथ आपके साथ बराबर बना हुआ है, तो अगर आप सभासद बनते हैं, अगर आपको जनता चुनाव दिलाती है, तो आप उन युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? युवाओं को सबसे पहले शिक्षा के लिए हम प्रेरित करेंगे कि भाई शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा है हमारे पास तो हम सब कुछ अपने आप करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला काम रहेगा युवाओं के लिए कि शिक्षित आप बने। और शिक्षा किसी भी प्रकार की हो, ऐसा नहीं है कि हम हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई को शिक्षा कहें। हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई तो एक नॉर्मली है जो अपन को करना ही चाहिए, जो ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, वो उनको क्रिकेट के लिए प्रेरित करेंगे कि भाई आप क्रिकेट में अपना भविष्य बनाइए। कुछ हॉकी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वो हॉकी खेल के अपना भविष्य बनाएं। कुछ लोग स्पोर्ट्स में हैं और कुछ लोग आजकल क्या है, जिम का ज़्यादा क्रेज है, तो लड़के लोग हमारे युवा जो है जिम के लिए ज़्यादा प्रेरित रहते हैं, तो उनको ट्रेनर बनाने के लिए काम करेंगे। मतलब किसी भी माध्यम से आपको शिक्षित होना है बस, ये इसलिए हम प्रेरित करेंगे और अभी आपने बताया कि युवाओं का साथ है हमारे साथ, तो ईश्वर की कृपा से आप लोगों के साथ से युवाओं के साथ साथ हमें माताओं बहनों बुजुर्गों का भी साथ मिल रहा है बराबर। और बराबर कई सालों से हमारे साथ सभी बुजुर्ग हमें अपने बच्चा, भतीजा, बेटा किसी भी प्रकार से अपना समर्थन देते हैं। चैनल के माध्यम से आप वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील ये करना चाहते हैं कि हम युवा चेहरा हैं, इसलिए जनता से हमारी अपील है कि सबसे पहले युवाओं को मौका दें, क्योंकि आजकल की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, सरकार की दी हुई उपलब्धियाँ हैं, वो युवा लोग जल्दी पकड़ते हैं। जो युवा लोग पकड़ के अपने वार्ड के लोगों को अच्छी तरह से उनको पहुँचाएंगे, घर घर पहुँचाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो ऑलरेडी नॉमिनेट पार्षद हैं, तो अगर उनको वार्ड का उद्धार करना है, वार्ड में काम करना है, तो वो तो उसके लिए सक्षम ऑलरेडी है ही। इसलिए नए चेहरों को चुनें और पुराने चेहरों को छोड़ के उनको आपने कई बार मौका दिया है वार्डवासियों ने। एक बार मेरी आप सभी से अपील है कि आप मुझे मौका दें और हम वार्ड में वो करके दिखाएंगे जो शायद अभी तक इतिहास में शायद किसी ने नहीं करा होगा, और हम कहने से ज़्यादा करने पर विश्वास करेंगे। ये मेरी आप सबसे अपील है।